गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर के सेशन 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिकल सेशन है, जो हमारा 16 सेशन का कुछ पेंडिंग रह गया था उसके बारे में थोड़ा सा थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपको डेमो के उसमें बता दूंगा कि डेमो किस तरीके से आपको करके देखना है। देखिए इसमें क्या क्या पॉइंट थे हमारे। इसमें सबसे पहले हमारे पैराग्राफ लेवल फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे, जिसमें अलाइनमेंट है, इंडेंटेशन है, लाइन स्पेसिंग है, टैब सेटिंग है, देन बुलेट सेटिंग्स और नंबर सेटिंग है। वैसे तो मैंने ये पिछली क्लास में डेमो दे दिया था, इसमें बताया था, आपने करके भी देखा होगा। देखिए जब भी आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेंगे, या जितने भी पैराग्राफ अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो सभी पैराग्राफ पे वो फॉर्मेटिंग डिस्प्ले कराएगा। व्हेन यू टाइप द इन्फॉर्मेशन इनटू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ईच टाइम यू प्रेस द एंटर की वुड क्रिएट ए न्यू पैराग्राफ विद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग यू कैन सेट नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इन्फ्लुएंसेस हाउ यूअर पैराग्राफ इन एमएस वर्ड विल लुक लाइक। भाई आप किस तरीके से अपने पैराग्राफ को देखना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे वैसे ही नया पैराग्राफ यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, चाहे आप किसी भी तरह से टाइप कर रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू टाइप करते चले जाएंगे वो एक पैराग्राफ है। जहां जाके आपने एंटर प्रेस कर दिया वैसे ही नया पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपने नया पैराग्राफ स्टार्ट किया आप सेटिंग कर सकते हैं, अलग अलग तरह की सेटिंग है, जिसमें अलाइनमेंट सेटिंग है, आपका लाइन स्पेसिंग सेटिंग है, फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन है, लेफ्ट राइट मार्जिन है। जैसी हमारी जरूरत है एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में अंतर है वैसी हम फॉर्मेटिंग यहां सेट कर सकते हैं। अब अलाइनमेंट में क्या है, जब भी आप पैराग्राफ का अलाइनमेंट करेंगे, जैसे मैंने कल आपको फोर टाइप्स के अलाइनमेंट सिखाए थे। पैराग्राफ अलाइनमेंट रेफर टू हाउ द लेफ्ट एंड राइट एड्स ऑफ ए पैराग्राफ अलाइन ऑन ए पेज। अलाइनमेंट इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द टेक्स्ट। यू कैन लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई ए पैराग्राफ। देखिए आप जैसे भी स्पेसेस सेट करना चाहते हैं, लेफ्ट स्पेसेस से सेट करना चाहते हैं, राइट से, सेंटर से, या आपने बोथ साइड से इक्विवेलेंसी करनी है, तो जस्टिफाई स्पेसेस सबकी शॉर्टकट की सामने दी हुई है। इंडेंटेशंस क्या है हमारा, जैसा कि आप रजिस्टर में भी लिखते हैं तो जैसे ही पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो पहली लाइन को थोड़ा सा अलाइनमेंट के गैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा स्पेस छोड़ के अब शुरू करते हैं, तो फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन कहता है। इंडेंटेशंस रेफर टू द डिस्टेंस ए पैराग्राफ इज सेट फ्रॉम द मार्जिन्स। इंडेंटेशंस डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ द पैराग्राफ फ्रॉम आइदर द लेफ्ट और द राइट मार्जिन। विद इन द मार्जिन यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंटेशन ऑफ ए पैराग्राफ और ग्रुप्स ऑफ पैराग्राफ्स। यू कैन ऑल्सो क्रिएट ए नेविगेट इंडेंट विच पुल्स द पैराग्राफ आउट टुवर्ड्स द लेफ्ट मार्जिन। देखिए जितना भी स्पेस आपने फर्स्ट लाइन कर लेना आप उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जो मार्जिन है हमारा उसके अकॉर्डिंग भी हम लाइन स्पेसिंग आगे से और ज्यादा दे के सेट कर सकते हैं, या फर्स्ट लाइन स्पेसिंग को इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। तो देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ इंडेंटेशन, लेफ्ट इंडेंटेशन, राइट इंडेंटेशन, और स्पेशल इंडेंटेशन में हमारी फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन और हैंगिंग लाइन इंडेंटेशन है। देखिए लाइन स्पेसिंग में जैसा कि मैंने कल भी बताया था आपको, प्रैक्टिकल करके दिखा था, लाइन स्पेसिंग सेट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द लाइन्स विद इन ए पैराग्राफ। इट इज यूज टू क्रिएट गुड रीडेबिलिटीज एंड डिजाइन इन द डॉक्यूमेंट। डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग इज सिंगल, ठीक है, 1.0 का होता है, बेसिकली 1.15 का होता है। वैसे हमारी जैसी जरूरत है हम वैसे ही लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास टैब सेटिंग। टैब सेटिंग की जरूरत हमें जब टेबुलर फॉर्मेट में डाटा लिखना है उस कंडीशन में हम टैब सेटिंग करते हैं। टैब्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग क्विक रिलेटिवली सिंपल लिस्ट। टैब्स आर आल्सो यूज्ड टू कंट्रोल द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट विद इन ए डॉक्यूमेंट। बाय डिफॉल्ट टैब स्टॉप्स आर सेट एज ए
0.5 inches इंटरवल्स फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, 5 टाइप्स ऑफ टैब स्टॉपिंग। देखिए अपने आप में जो टैब स्टॉपिंग है वो 0.5 का स्पेस लेगी जब भी आप कीबोर्ड से टैब दबाएंगे, अदरवाइज आप जैसे भी टैब सेट करेंगे वैसे ही टैब स्टॉपिंग आपकी सेट हो जाएगी। जैसे लेफ्ट टैब है वो लेफ्ट साइड से आपकी अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग टैब स्टॉप होंगी, राइट है वो राइट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी टैब स्टॉपिंग होंगी, सेंटर है वो सेंटर अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी टैब सेट होंगी, डेसिमल्स टैब हैं वो पॉइंट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग टैब स्टॉपिंग होंगी। इसमें दी हुई है जब आप टैब स्टॉप करोगे तो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं आपने अलाइनमेंट कौन सा रखना है और आप किस तरीके से टैब स्टॉप करेंगे। जैसे आपने टैब स्टॉपिंग कर दी और अगर आप उसे क्लियर करना चाहते हो तो एक एक टैब को सिलेक्ट करके आप क्लियर बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और अगर सारी टैब स्टॉपिंग आप हटाना चाहते हैं तो क्लियर ऑल पे क्लिक कर सकते हैं। बुलेट्स मैंने कल आपको करके दिखाया था, बुलेट्स के अंदर क्या है, बुलेट्स और नंबरिंग जो सेटिंग है वो हम किसी भी डाटा को लिस्टेड करने के लिए या नंबर्स देने के लिए सेट करते हैं, या सेपरेट सेपरेट डिफाइन करने के लिए भी हम कई बार इस चीज को यूज कर लेते हैं। अरेंजिंग इन्फॉर्मेशन इन अ लिस्ट कैन मेक्स इट्स मच इजियर टू अंडरस्टैंड इफ यू हैव लिस्ट ऑफ डाटा यू मे वांट टू बुलेट और नंबर देन एज बुलेट्स एंड नंबर्स आर यूज टू डिस्टिंग्विश ए लिस्ट ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टेक्स्ट। एमएस वर्ड यू कैन क्विकली क्रिएट बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट टू मेक ए डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। देखिए जब हम कोई भी लिस्ट बनाते हैं, बहुत सारे लोगों की आदत है वो बुलेट्स लगाते हैं, कुछ लोग स्टार बनाते हैं, कुछ एरो बनाते हैं, वो डिपेंडेंसी है, कुछ लोग डायरेक्ट नंबर लिखते हैं 1 2 3, कुछ रोमन पद्धति के 1 2 3, कुछ ABC। इसी तरीके से यहाँ भी एमएस वर्ड के अंदर ये सुविधाएं हैं, आप जिस तरह से भी अपनी लिस्ट को बुलेट्स देना चाहते हैं, नंबर देना चाहते हैं, वो स्टाइल आप सेट करके दे सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो भी स्टाइल आप प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो बुलेट्स से रिलेटेड है चाहे नंबर से रिलेटेड है, वो उसी तरह का स्टाइल आपका सेट हो जाएगा। ये वो चीजें थी जो हमने डिस्कस की हैं, पहले यूज भी करके देख रखी हैं। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और उसको डिटेल में बताना चाहूंगा, प्रैक्टिकल फॉर्मेट में बताना चाहूंगा। तो जो मैंने वो चीजें हमने पहले की थी डेमो के रूप में वो मैंने थोड़ा सा डिटेल बताया है, थ्योरी के रूप में वैसे हमने प्रैक्टिकली कर लिया था। तो इतने के लिए थैंक यू, आगे हम अभी इसको डेमो के रूप में करके देखेंगे, क्योंकि लास्ट डेमो में हमारा टेबल मेन्यू के बारे में कुछ ऑप्शंस रह गए थे, जो टेबल कमांड है वो एक बहुत बड़ी है अपने आप में और बहुत यूजफुल है आज के टाइम में, क्योंकि जब हम एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो हर बार एक्सेल के से फाइल इंसर्ट ना करके हम डायरेक्ट एमएस वर्ड में ही अपनी टेबल क्रिएट करके डाटा अरेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि टेबल अपने आप में काफ़ी बड़ा ऑप्शन है, तो जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली सिलेक्शन से हम नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ले सकते हैं, इंसर्ट से ले सकते हैं, ड्रॉ से ले सकते हैं, एक्सेल से ले सकते हैं, क्विक टेबल से ले सकते हैं, जो बड़े बनाए फॉर्मेट हैं टेम्पलेट से। जिस भी तरह से आप डिज़ाइन करेंगे टेबल को, लाइक कोई भी ऑप्शन आप ले लीजिएगा, इस तरीके से हमने यहाँ टेबल इंसर्ट कराई है। तो जैसे ही टेबल इंसर्ट कराएंगे तो आप देखेंगे डिजाइन और लेआउट दो ऑप्शंस टेबल से रिलेटेड हैं, तो ये दोनों के बारे में मैं आपको यहाँ डेमो दूंगा, क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले हम टेबल के अंदर डाटा फिलअप कर दें, जैसे मैंने यहाँ डाला सीरियल नंबर, नेम डाल देते हैं नेक्स्ट कॉलम के अंदर, सब्जेक्ट डाल देते हैं, इस तरीके से हम टेबल के अंदर डेटा फिलअप करेंगे। वन बाय वन डेटा फिलअप करने के बाद आप सेट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये टेबल एक क्रिएट की है। जैसे ही हम अपनी टेबल क्रिएट करेंगे उसके फॉर्मेट बहुत तरह के, टेबल को सिलेक्ट करना है, यहाँ से क्लिक करने के बाद आपकी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, कोई भी फॉर्मेट आप प्रोवाइड कर सकते हैं किसी भी तरीके का, बहुत तरह के हैं आपके पास, जैसा भी आप एप्लीकेबल करना चाहेंगे। नॉर्मल करेंगे आपका नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपने यहाँ से किसी भी प्रकार की शेडो देनी है, बैक कलर देना है, टेक्स्ट कलर देना है, आप टेक्स्ट कलर, बॉर्डर, सारी चीज़ें यहाँ से हम सेट कर सकते हैं।
किस तरह के बॉर्डर हमें प्रोवाइड करने हैं। अब देखिए जैसे हेडिंग रो रिपीट है, फर्स्ट लाइन को हमने हेडिंग रो रिपीट में ऑन किया है, अगर मैं हटा दूंगा तो लेगा नहीं, आप ऑन करोगे तो ठीक है। कॉलम वाइज आप बता सकते हो टोटल रोज कितनी है, टोटल कॉलम्स कितना है सेट करना है, कोई भी चीज डबल अरेंज करनी है तो आप यहां से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ये लाइन बीच से हटानी है आपकी, हट जाएगी, पहले की तरह से करनी है आपने। ये लाइन अगर आप हटाना चाहते हैं ये हटा सकते हैं, डिपेंडेंसी आप पे है। कल ये चीज हमने डिजाइन तरीके से सीख लिया था। अब हम जैसे लेआउट के ऑप्शन है हमारे पास सामने, सबसे पहले आप सिलेक्शन टूल पे गए, कुछ भी सिलेक्ट किया है आपने, इरेजर बंद नहीं किया था हमने इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे भी आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सेल एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करेगा, सेलेक्ट कॉलम पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेगा, रो पे जिस भी रो में आपका कर्सर है उस रो को सिलेक्ट करेगा, सेलेक्ट टेबल से कंप्लीट टेबल सिलेक्ट करेगा। अब आपकी जो गाइडलाइंस है टेबल से रिलेटेड वो आप सेट कर रखी है, प्रॉपर्टीज के अंदर जाके हम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा टेबल काफी बड़ी नहीं है, हम इसे अरेंज कर सकते हैं, तो टेक्स्ट के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर लें टेबल को, जितना बड़ा बड़ा हमारा टेक्स्ट है। तो जो राइट में जगह बच गई हम इसमें कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप वैसे लिखोगे तो ये टेबल के अंदर ही लेके जाएगा, हो सकता है क्लिक गलत हो गया हो, देखो आप टेबल के अंदर। लेकिन अगर हम इस टेबल की प्रॉपर्टी सेट करते हैं और इस तरीके से ये वाली प्रॉपर्टी ले लें, अराउंड वाली या सेंटर वाली कोई भी ले सकते हो, अब आप बाहर क्लिक करोगे तो इसके साइड में कुछ भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आपका टेक्स्ट लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपने प्रॉपर्टी से सिलेक्ट कर रखा है सिंगल टेबल के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिकली आपकी टेबल के अकॉर्डिंग ही सेट हो जाएगा वो प्रॉपर्टी से। जैसे मैंने ले लिया केवल नन किया, तो अब इसकी साइड में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। नेक्स्ट है हमारा इसमें जैसे डिलीट की ऑप्शन है, डिलीट करोगे डिलीट सिंगल सेल, एक ही सेल को डिलीट करेगा, टेक्स्ट अरेंज हो जाएगा। अंडू कर लेते हैं, एक स्पेस स्टेप बैक चला जाएगा। अगर आप डिलीट रो करेंगे तो एक पूरे कॉलम को डिलीट करेगा, कॉलम डिलीट किया था हमने, अगर रो डिलीट करेंगे तो जिस लाइन में आपका कर्सर है उसी लाइन को डिलीट करेगा। अंडू करते रहेंगे साथ साथ, डिलीट टेबल करोगे तो कंप्लीट टेबल डिलीट हो जाएगी। ठीक है, एक स्टेप वापस ले लेते हैं अंडू करके। देन उसके बाद है हमें कोई भी लाइन इंसर्ट करानी है, अगर अबो ऊपर लेके आनी है तो अबो पे, नीचे लेके आनी है तो बिलो, जैसे वन और टू के बीच में लेके आनी है तो बिलो करोगे, अगर हेडिंग लाइन और वन के बीच में लेके आनी है तो अबो जैसे। ठीक है, अंडू कर लेते हैं, बिलो करोगे बिलो, अंडू कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम लेना है आपने नेम और हिंदी के बीच में, सब्जेक्ट के बीच में, तो आपका कॉलम इंसर्ट कर देगा। लेफ्ट और राइट कॉलम जहां भी आप इंसर्ट कराएंगे उसी तरीके से आपको कॉलम इंसर्ट करा के देगा। दो या दो से ज्यादा सेल को आपने मर्ज करना तो मर्ज सेल हो जाएगा। स्प्लिट सेल में जाओगे तो वैसे अंडू से भी हो जाएगी, लेकिन वैसे अगर आप करोगे तो 2x1 करोगे वैसे ही हो जाए। अगर एक सिंगल सेल को आप सिलेक्ट करके ज्यादा में तोड़ना चाहोगे तो स्प्लिट सेल में जाइएगा, जैसे मैं चाहता हूं दो कॉलम और दो रो में कन्वर्ट हो जाए, इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। अंडू करेंगे हम, उसके बाद है हमारे पास स्प्लिट टेबल। मैं चाहता हूँ यहाँ से आगे की दूसरी टेबल बन जाए, ये देखो ये आपके सामने टेबल के दो पार्ट हैं, इसको हटाने के लिए आप डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं या अंडू का प्रयोग कर सकते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास ऑटो फिट करनी है टेबल को, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं कह दूँ फिट टू विंडो, विंडो के साइज में टेबल सेट हो जाएगी, अगर मैं कह दूँ फिट टू कंटेंट, जितना बड़ा बड़ा टेक्स्ट है उतनी सेट हो जाएगी। लाइक मुझे यहाँ कुछ और लिखना था, राम कुमार शर्मा, तो जैसे ही टेक्स्ट आपका इंक्रीज डिक्रीज होगा वैसे, क्योंकि कंटेंट के हिसाब से आपकी फिट कर रखी थी हमने। अगर आप टेबल को सिलेक्ट करके फिट टू विंडो करोगे ऑटोमेटिकली विंडो के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो ये हमारा ऑप्शन था, इसमें ऑटोमेटिकली हम यहाँ से हाइट विड्थ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, आप टेबल ऑप्शन के अकॉर्डिंग से कॉलम की विड्थ हाइट।
ठीक है। ऐसे बेसिकली हम फिट टू विंडो रखते हैं। उसके बाद हमारे पास अलाइनमेंट है, जैसे अभी आपका लेफ्ट अलाइनमेंट और टॉप है, मैंने सेंटर अलाइनमेंट और टॉप रखा, मैंने राइट अलाइनमेंट और टॉप रखा। अगर आप लेफ्ट अलाइनमेंट और सेंटर रखे, यानी कि अलाइनमेंट लेफ्ट है लेकिन बीच से लिखना शुरू करेगा, सेंटर अलाइनमेंट और सेंटर से ही, राइट अलाइनमेंट और सेंटर से ही, लेकिन लेफ्ट अलाइनमेंट और बिलो से आपका, ठीक है, बॉटम से स्टार्ट किया, सेंटर बॉटम से स्टार्ट किया, राइट बॉटम से, डिपेंडेंसी आपसे, बाय डिफॉल्ट राइट टॉप से शुरू होता है, लेफ्ट राइट कैसे भी कर सकते हैं, अभी लेफ्ट में किया, अभी आप टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, कैसे भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी टेक्स्ट की। सेल मार्जिन ऑलरेडी हमारा सेट है, कुछ और करना चाहे हम कर सकते हैं, सेट हो जाएगा जिस भी अकॉर्डिंग आपने सेट करना। अब जब भी डाटा हम सॉर्ट करेंगे, लाइक मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में किया, तो आप देखोगे जो हेडिंग लाइन थी वो नीचे की तरफ भाग गई। हम पहले की तरह से कर लेते हैं, जैसे ही हमने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट करके और हेडिंग रो रिपीट में कन्वर्ट कर दी, अब आप टेबल को जब भी अलाइनमेंट करेंगे, चाहे किसी भी वे में करेंगे, तो वो लाइन नहीं हिलेगी, क्योंकि वो उसको पता चल गया वो हेडिंग लाइन है, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम करता। अब आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इसे सिंपल टैब्स टेक्स्ट में, सिलेक्शन नहीं हटाना है, वापिस आप कन्वर्ट कर पाएंगे इसको, तो उसी तरीके से हमने टेक्स्ट टू टेबल, टेबल टू टेक्स्ट कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मूला लगाना, हमने लाइक ये जगह मैंने छोड़ी हुई थी, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे, सम का फॉर्मूला है लेफ्ट साइड में, जितने भी नंबर हैं उन पे फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। अब जैसे यहाँ है अबो आएगा, ब्रैकेट में अबो की जगह हमने, क्योंकि लेफ्ट वैल्यूज पे करवाना है, लेफ्ट लिखना है, ओके करेंगे हम, फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ है, हमने फॉर्मूला पे क्लिक किया, अबो की बजाय लेफ्ट लिखना है, यानी कि कितनी भी वैल्यू है उन पे फॉर्मूला, जो भी आपने सम जो भी लगाना है वो फॉर्मूला सेलेक्ट करेंगे, लगा देगा। बेसिकली हम ज़्यादातर सम के लिए ही यूज करते हैं। तो ये हमारा टेबल ऑप्शंस जो पेंडिंग था वो मैंने अब कंप्लीट कर दिया है। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।